ये है दोस्तों मेरे बाबा जी, इस हरी भरी बगिया के माली, और यहाँ पे जितनी भी आपको ग्रीनरी दिख रही है वो सब इन्हीं की मेहनत है। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। सुबह सुबह की चाय के साथ मैं कर रही हूँ आपका स्वागत। यहाँ मैं बना रही हूँ लेमन ग्रास से लेमन ग्रास टी, और साथ ही देखिए मैंने यहाँ अजवाइन भूनने रखी हुई है। कभी भी आप अजवाइन अगर लेते हैं तो अगर आप इस तरह से भून के थोड़ा सा उसको रोस्ट कर लीजिए, धो लीजिए पहले अजवाइन को, फिर थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, और तब इसके बाद अगर आप ये अजवाइन खाएंगे तो आपको देखना अजवाइन का टेस्ट ही बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए सुबह सुबह अगर आप इस तरह से लेमन ग्रास टी के साथ अजवाइन लेते हैं तो ये जो है आपका यूरिक एसिड भी कम करता है, आपकी एसिडिटी कम करता है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए बाबा जी बाहर हैं और मेरी चाय हो गई है रेडी, और अब पीते हैं चाय। कैसे मिली चाय बाबा जी? मैं ऐसे नई नई चीजें बनती रही, बड़ी रौनक आती, नई नई चीजें और बेचती। रोज पिलाती हूँ आपको? आज वो कल भी पिलाई थी। और क्या, हाँ तो लेमन ग्रास इतना सारा हो रखा है, देखना जरा। चलिए दोस्तों अब आ गई हूँ मैं अंदर, और घर के देखिए सारे काम मेरे ऑलमोस्ट डन हैं, और अब मैं सीधे से कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद बाबा जी जाते हैं वीगन इंडिया फिजियोथेरेपी के लिए, तो उन्हें टाइम से ब्रेकफास्ट करना होता है। हाँ क्या बना? हाँ हाँ मैंगो शेक बना दे। यह लस्सी भी बना रही है? चलो लस्सी ठीक है, मैंगो शेक ही ठीक है। हाँ हाँ चटनी पराठा, हाँ वो चटनी बहुत बढ़िया बना रखी तूने पुलम की। नहीं अंडा नहीं यार, हैवी ज़्यादा, सुबह सुबह वही बना दे बस। चलिए दोस्तों अब मैं बनाने जा रही हूँ मसाला लच्छा पराठा। इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है चिली फ्लेक्स, कलौंजी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और अजवाइन। यहाँ मैंने सिंपल गेहूं के आटे की 3 रोल बना लिए हैं, और सबसे पहले हमने एक जो है पेड़ा उसको बेला। यहाँ पे मैंने प्लेट में थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल किया और रोटी बेल के इसमें डाल दी। अब उस रोटी में थोड़ा सा तेल स्प्रेड किया, और यहाँ पर डाल दीजिए आप चिली फ्लेक्स और धनिया, और उसके बाद इसी तरह से दूसरी रोटी बेलनी है, वो भी इसी रोटी के ऊपर डाली, और इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसमें हम डालेंगे नमक और अजवाइन। सेम इसी तरह तीसरी रोटी बेलनी है, और वो भी इसी के ऊपर हम लोग डाल देंगे। इसमें भी अच्छे से थोड़ा सा तेल स्प्रेड करेंगे चारों तरफ, और इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। बस अब इसको आप अच्छे से जो आपका चकला है उस पर प्लेस कर लीजिए, और इस तरह से इसके स्ट्राइप में इसको चाकू से काट लीजिए, और जिस तरह से मैं इसके रोल कर रही हूँ इसी तरह से रोल कीजिए। देखिए इस तरह से अच्छे से इसका आप शेप बना लीजिए और इसको बेल लीजिए। लास्ट में जब पूरी रोटी बेल जाए तो इसके ऊपर डाल देंगे कलौंजी, और इस तरह से बेलन से थोड़ा थोड़ा से इसको प्रेस कर लीजिए जिससे कि जो कलौंजी है वो रोटी में चिपक जाए और ना निकले। बस दोस्तों अब इसको अच्छे से दोनों तरफ सेक लीजिए, और ये आपकी बढ़िया सी मसाला लच्छा पराठा रेडी है। इसके लिए कोई भी चीज़ आपको पहले से रेडी करके नहीं रखनी है, ये इंस्टेंट पराठा है और थोड़ी चीज़ों से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट मेरा लच्छा पराठा, मसाला लच्छा पराठा रेडी है, जिसे हम एंजॉय करेंगे चटनी के साथ। ये प्लम की चटनी है जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी वीडियोस में डाली हुई है। तो देखिए दोस्तों मैं अब जा रही हूँ बाबा जी को नाश्ता कराने। ये एकदम सॉफ्ट और जो टेस्टी है ये पराठा हमारा रेडी है। नाश्ता लगा दो, नाश्ता थोड़ा, मैंने ये 15 मिनट मैंने इसमें रखा हुआ। ये क्या है? ये ब्रेसलेट है। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा वीगन। हाँ तो ये इसमें जो पानी है ये प्यूरिफाइड हो जाएगा इसके डालने से, ठीक है। इसमें कई चीजें होती हैं ऐसी जो पानी को शुद्ध बना देती हैं। अच्छा तो ये पीऊंगा एक गिलास सुबह पिया। कितने देर डालना है इसको पानी में? 15 मिनट।
और ये आई ड्रॉप भी हो जाता है अगर आप आंखों में डालना चाहोगे तो ये आई ड्रॉप मैंने डाला है आज पानी में। ये कुछ बाबा जी ने एक बेल्ट लिया वीगन इंडिया से जिसका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए वो शाम को आएंगे, तो ये एक ब्रेसलेट है इससे काफी कुछ कंट्रोल होता है। परांठा लाओ और हो गया ना आपका, लाओ वो ले जाओ प्लेट ले जाओ प्लेट ले जाओ दो कि क्या हुआ? मैं ही लेके आई थी क्या प्लेट पता नहीं। चलो मार गए तुझे उसमें। हाँ बाय बाबू जी, क्या आपको छोड़ देगा राजन? चलो फिर बाय बाय। ओए बाबा वही 250 सूट वाला आएगो। बाय बाय। चलो चलिए दोस्तों, राजन और बाबा जी तो अपने अपने गए और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। तो चलते हैं और देखते हैं आज का दिन हमारा कैसे रहेगा, और बने रहिएगा दोस्तों और देखते रहिएगा हमारा ही नया। परेशान बैठे हैं आज बाबा जी के गेस्ट लोगों ने आना था। आया फोन मिस कॉल थोड़ी ना है बाबा जी। आज बाबा जी के कहाँ वाले? ये वीगन इंडिया जहाँ मैं फिजियोथेरेपी कराने जाता हूँ। फिजियोथेरेपी कराने जाते हैं बाबूजी, वो लोग आने वाले थे अब शाम के 4 बजे, अब 5 बज गए अब तक आए नहीं, और बाबूजी यहाँ बेचारे बैठे हुए हैं आराम से कपड़े कपड़े पहन के। आएंगे भाई आएंगे। हाँ नहीं आए तो बड़ा वो लग रहा, अफसोस लग रहा। तो चले हम अपने काम धाम में चलते हैं आगे को। बाबा जी के तो आए नहीं, वो लोग आ जाएंगे तो ठीक है। अब दोस्तों बाबा जी के वीगन इंडिया वाले तो आए नहीं, और आजकल बहुत अच्छा है घर में ही सब चीज़ें ऑर्डर करके आ जाती है। बच्चों ने ऑर्डर करी थी जलेबी, चले अब हम जलेबी खा लें। कोई दूर नहीं, 5 मिनट। हाँ 5 मिनट का रास्ता है वहाँ से, ठीक है बेटा। और अगर इधर उधर लंबे मिट्टी मिट्टी मत निकल जाना, वो चौराहे में आओगे ना उधर से। चलो जी बाबा जी के फिजियोथेरेपी वाले वो आ रहे हैं, फटाफट से हम तैयारी करते हैं। चप्पल पहन के आना, मैं बहुत खा दूंगा। आ जाओ। जितने हमारे ऑर्गन जुड़े हुए सब स्पाइन से जुड़े हुए, बेस हमारा स्पाइन है। स्पाइन पे हम थेरेपी देते हुए सारी भी बीमारी के इलाज के लगभग लगभग ऑल ओवर इंडिया में इसके 400 सेंटर है, और लगभग 98 कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है। यहाँ हमारा पेड़ नगर में जो सेंटर लगभग 6 साल हो गया है उसको। हाँ। और देहरादून के अंदर पूरे देहरादून में सिर्फ देहरादून में 8 सेंटर है। अच्छा इसके 8 सेंटर। That I'm so lazy when I wake up at noon. I try to make it better, I don't know what to do. Ooh, I see that all my friends are following their dreams, but I'm just laying in bed. I hate that I procrastinate, but I procrastinate that too. I don't like my short legs, and I never brush my hair. All my insecurities, this is me. I'm learning to like myself, just the way I am. Oh, I'm learning to love myself in all the ways I can. 'Cause I'm perfectly imperfect, I'm perfectly imperfect. And now I know I'm worth it, 'cause I'm perfectly imperfect. तो दोस्तों ये सब लोग वीगन इंडिया थेरेपी सेंटर के मेंबर्स हैं जो आज हमारे घर में आए हैं, और ये प्रेमनगर में ही लोकेटेड है। वीगन इंडिया दोस्तों एक फिजियोथेरेपी सेंटर है, और यहाँ पे बहुत सारे बीमारियों के लिए फिजियोथेरेपी दी जाती है। तो और ये सारी जो थेरेपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बाबा जी ने यहाँ से एक बेल्ट परचेज की है, मास्टरपीस बेल्ट, तो उसी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। तो चलिए दोस्तों मैं कंटिन्यू करती हूँ ये वीडियो इन्हीं
ही लोगों के साथ कि किस तरह से इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप देखिए और ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। कंपनी जिस कंपनी का नाम है विगिन मेडिकल, ये कंपनी जो है साउथ कोरिया की है और हमारी कंपनी की बहुत सारी अलग अलग मशीन्स तैयार की गई हैं और हम इनको मशीन ही बोलते हैं लेकिन हम वैसे लैंग्वेज में उनको डॉक्टर्स बोलते हैं क्योंकि हमें डॉक्टर ठीक करते हैं और हमारी कंपनी के अलग अलग डॉक्टर्स तैयार किए गए हैं और उनमें से एक डॉक्टर है हमारा जो मैट है जिसका नाम है मास्टरपीस बेड। अब मास्टरपीस बेड इसमें जो युग्या लगा है, इसका नाम युग्या है, ये 19 प्रकार के प्राकृतिक तत्वों से तैयार किया गया है और ये सबसे पहले हमें पाउडर के रूप में मिला और पाउडर के रूप में जब हमें मिला तो पाउडर में हम हीट के रूप में थेरेपी नहीं ले सकते थे तो इसीलिए हमारी R&D टीम ने, हमारी कंपनी की जो R&D टीम है, उन्होंने पाउडर को अलग अलग आकारों में उनको अलग अलग आकारों में ढांचा। तो इसमें जो आकार लगा है वो है युग्या, सुपर युग्या कहा जाता है, टाइल्स सुपर युग्या कहा जाता है, टाइल्स के रूप में लगाया गया है और ये ऑल बीमारियों को ठीक करने में बहुत अच्छा और छोटा सा डॉक्टर है। हम लोगों के आम जीवन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम के हम कैसे इस पर थेरेपी ले सकते हैं, आइए। हमें जो सर्वाइकल होता है वो हमारी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हमारी स्पाइन 5 भागों में बटी होती है जिसमें कि पहला भाग है हमारा सर्वाइकल। सर्वाइकल हमें क्यों होता है, जैसे हम डेली यूज में एक ही पोजीशन में लेटते हैं, हमारे जॉब के जितने भी मतलब काम है, वर्क है, वो सब इसी तरीके से है। तो जैसे कोई कंप्यूटर वर्क करता है, जैसे कोई किसी की बैंक में जॉब है तो वो लोग सिटिंग वर्क करते हैं तो उस वजह से हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें कि नसें दब जाती है, हमारी सर्वाइकल वाले भाग की नसें दब जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें गर्दन घुमाने में झुकाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम मास्टर पीस बेल्ट का यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैडम को सर्वाइकल है, ठीक है, अब इसके नीचे हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऊंचाई पर रखने के लिए नीचे कुछ रख लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे सर्वाइकल वाले भाग में टच हो जाए। चलिए, हाँ, थोड़ा सा और ऊपर जाना, ऐसे। अब मास्टरपीस बेल्ट हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम कैसे ठीक करेगा, आप नीचे ऐसे लेटना है और इसको हमने ऐसे करके चिपकाना है। अब जो हीट निकलेगी वो आपके सर्वाइकल वाले हिस्से में जाएगी और धीमे धीमे करके जो नसें अंदर ब्लॉक हैं वो इस तरीके से मतलब खुलेंगी धीमे धीमे करके, एकदम नहीं, हमें डेली रूटीन मतलब एक दिन में कम से कम 3 बार थेरेपी लोगे इस तरीके से तो हमारी सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम में सबसे पहले आपकी नसें खुलेंगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और उसके बाद हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब बैक पेन के लिए हम कैसे करेंगे, मान लीजिए मास्टरपीस बेल्ट है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर लेटने की ज़रूरत नहीं है, मानिए आप पहले इसको गर्म करना खूब और उसके बाद इसको लगाओ आगे से चिपका कर, आप इसको लगाकर अपने घर के काम भी कर सकते हैं, जैसे मैडम लगा रही है और इसको गर्म करके इसको लगाकर, खास करके लेडीज लोग, जैसे कोई किसी का सिटिंग वर्क है किसी ऑफिस में तो वो लोग भी इस तरीके से अपने कमर को प्रोटेक्ट करते, क्योंकि इसको लगाकर ये हमारी कमर को तो प्रोटेक्ट करेगा ही लेकिन ये आपको अदर गलत पोजिशन में झुकने नहीं देगा। और साथ ही साथ जैसे किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को बैक पेन है या किसी की कमर की नस दबी हुई है या साइटिका के नर्व किसी की ब्लॉक है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम भी ठीक करेगा हमारा। अब जैसे बहुत सारे लोगों को घुटने दर्द की प्रॉब्लम है, देखिए हमें जैसे लगता है कि घुटना दर्द है तो हम बहुत लोग क्या सोचते हैं कि घुटना दर्द केवल ऊपर से है, हमें घुटना दर्द ऊपर से नहीं होता है, हमारे नीचे जो मसल्स होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है जिसके कारण हमारी ऊपर की हड्डियों में क्या नहीं बनता है, ग्रीसिंग ऑयल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ग्रीसिंग ऑयल ख़त्म है तो हमें घुटनों की थेरेपी के लिए क्या करना है, इस तरीके से नीचे से थेरेपी देनी है। इसके लिए आप अगर अच्छा कुछ चाहते हैं तो इसके नीचे भी आप कुछ भारी वजन लगा सकते हैं ताकि ये मैट पूरा हमारे घुटनों से टच हो, इसके बाद क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और हमारे घुटनों में जो ग्रीसिंग ऑयल नहीं बन रहा है वो बनेगा प्रॉपर और हमारे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। और लीवर प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम के लिए तो हम सबसे पहले गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या आपको कब्ज की प्रॉब्लम है या आपका पाचन क्रिया की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, उसको हम पेट में लगाकर इस तरीके से लगाकर हम अपने काम भी इसको लगाकर कर सकते हैं। तो शुगर के लिए हम अपने थोराइसिस वाले हिस्से में लेंगे थेरेपी, यहाँ पे, अच्छा,
अब ये शुगर के लिए हाँ, आप बहुत लोग बोलेंगे कि शुगर तो आगे से होती है लेकिन हम यहाँ से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारी पेनक्रियाज हमारे इधर होती है सेंटर में, लेकिन उसकी नर्व भी हमारी कहाँ से जुड़ी होती है, T7 से जुड़ी होती है। अगर हम अपनी स्पाइन के T7 पर इस तरीके से लगाकर शुगर के लिए क्या करते हैं, थेरेपी लेते हैं, तो वो जो नर्व आगे से निकल कर हमारे T7 से जुड़ी है तो वो क्या होती है, ब्लॉक होती है, उसमें अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब ब्लड पेनक्रियाज तक पहुँचेगा तो पेनक्रियाज एक्टिव होगी, और पेनक्रियाज एक्टिव होगी तो अपने आप इंसुलिन बनाएगा, और इंसुलिन बनाएगा तो हमारा प्रॉपर शुगर लेवल मेंटेन पर आ जाएगा। इसकी और भी प्रॉब्लम है जैसे, अच्छा किसी को थायराइड हो तो वो कहाँ पे कब तब कैसे लेना, जैसे मुझे थायराइड है, थायराइड के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से मोड़ना है हमारी मास्टरपीस बेल्ट को, इस तरीके से मोड़ना है और क्या करना है, गले में थोड़ा सा कपड़ा बांधना और इसका टेम्परेचर ध्यान में रखना है। हाँ वो तो उससे मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे ये बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं तो इसमें हमें अपना टेम्परेचर 1 पॉइंट पे रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें प्लेन वाइट कलर का सूती का कपड़ा लगा देना है, अभी हमारे पास है नहीं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए। तो हमें क्या करना है, ये जो है हमारा सेरेमिक यूगिया वो टाइल्स सुपर यूगिया के रूप में लगाया गया, इससे FIR रेजिस निकलेगी। आप थायराइड जो ग्रंथि होती है वो हमारी गले से होती है कनेक्ट, बटरफ्लाई के रूप में होती है, तो क्या करना है कंटिन्यू हमें इस तरीके से, लेकिन नीचे कपड़ा जरूर लगाना है जाएगा। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन के लिए कैसे लेनी है, माइग्रेन के लिए हमें उसके लिए भी सर पर कुछ बिछा देना है और टेम्परेचर 2 या 3 पे रखना है, और माइग्रेन के लिए भी हम इस तरीके से थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है। इससे कोई भी हमें नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमारी कंपनी को, हमारी यूगिया को मतलब सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है कि अगर आप हमारे किसी भी प्रोडक्ट की थेरेपी लेते हैं तो इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा और इससे कोई साइड इफेक्ट भी। ये हमारे काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं जिसको हमारे मतलब कंपनी को भी मिला है, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं उन कंपनी में। आजा ये नोनी को तो कुछ नहीं बोलेगा ना, चलो भाई बाय बाय, चलो बाय। तो चलिए दोस्तों, बाबा जी के वीगन इंडिया के जितने मेंबर्स थे वो आके चले गए, और ये जो बेल्ट है ये बाबा जी की है और इसका काफ़ी यूज़ कर रहे हैं आजकल बाबा जी, और हमारी तरफ से तो हम सलाह देंगे कि सारे लोग इस बेल्ट को ले क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसके साथ ही मैं इस व्लॉग की एंडिंग करूँगी, व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।